ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या होता है, यू से उसको लिखते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। और ये जैसे कि हमने वर्क डन बताया था कि वर्क डन किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज को, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। और अगर हम वर्क डन की बात करें तो उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो वर्क डन क्या हो गया, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1Q2/r12। अगर टोटल सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, सुपर पोजीशन लगेगा और सुपर पोजीशन से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करने के बाद तब हम इसको निकालेंगे और 1/4πε0 Q1Q2/r12 प्लस Q3/r23 Q1/r31 इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। जिसको भी डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा वो मुझसे कंफर्म कर लेगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। ये डेरिवेशन एनर्जी का हम करा चुके हैं पहले चैप्टर में, इसीलिए इसमें हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड की बात करेंगे। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड की बात करें, दोनों में अगर रिलेशन देखें यहाँ पर U और V में, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं पोटेंशियल को यहाँ पर, अगर पोटेंशियल को अगर Q से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, ठीक है। और अगर टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो टोटल जो चार्जेस हैं उनको हम ऐड कर देंगे सुपर पोजिशन लगा करके, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फील्ड के लिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी कंडक्टर की बात करें तो अगर कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, ठीक है। और क्यों होता है, क्योंकि एक्सेस चार्ज जो है कंडक्टर, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, यानी जब वो स्टैटिक सिचुएशन पे होता है तो कंडक्टर के अंदर जो है एक्सेस चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है। और किसी भी कंडक्टर के टोटल वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस पर्टिकुलर सरफेस के नॉर्मल होगा, ठीक है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के नॉर्मल जो है उसको देखेंगे। यहाँ पर हम ये नॉर्मल की कंडीशन बता चुके हैं पहले क्लास में, ठीक है। अब इसमें एक टर्म्स आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो क्या होता है इसमें, वॉट एवर विद द चार्ज एंड फील्ड कन्फिग्रेशन आउटसाइड एनी कैविटी इन अ कंडक्टर रिमेन्स शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। यानी बाहर कुछ भी हो, मतलब कोई भी कंडक्टर है उसके बाहर कुछ भी कन्फिग्रेशन हो चार्ज का, लेकिन इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस कुछ भी हो, लेकिन जो कैविटी के अंदर जो फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा, इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, हम इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।
कि पोलराइजेशन क्या होता है और कैसे होता है, इसको जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो मतलब ये समझ में आपको नहीं आएगा। तो जो ये हमने ये डायग्राम है इसको आप बना लीजिएगा और इसके अंदर जो मतलब टर्म्स हैं वो आप लिख लीजिएगा, जो पॉइंट्स हैं। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइपोल के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन देने को हम पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जब वो पोलराइजेशन हो जाता है तो जो फील्ड जनरेट होता है उसको पोलराइज्ड फील्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक, अगर आइसोट्रॉपिक डाइइलेक्ट्रिक्स हैं तो उसके केस में इसमें लिखा हुआ है द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक इज़ नोन एज पोलराइजेशन, एक डेफिनेशन ये भी हो जाता है। और उस केस में हम P इज़ इक्वल टू chi इंटू E, और chi को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, क्लियर है। तो ये आप लिख लेंगे, क्लियर। उसके बाद अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इससे पहले हमने बताया था शील्डिंग की बात करी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इनसाइड वो अंदर होता मतलब जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इनिशियल पोजीशन पे ई नॉट है और फाइनल ई आई है और फाइनल पोजीशन पे ई नॉट है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें कि वो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो अगर वो किसी मीडियम में आएगा तो ई नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो ई आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगा 1 - 1/εr, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। ये कंडक्टर से बना होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के, जिससे इसको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये कंडक्टर जो चार्ज होता है इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइड का उसको अलग अलग रखते हैं, किससे इंसुलेट करते हैं, किसी एक मटेरियल इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू। और आप लोग ये मतलब सारे नोट्स जो भी है ये एक बार देख लीजिए और उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी का ये आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा डेराइव करवा दूंगा। और यहाँ पर अगर आप देखें पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड इसको हम कल डिस्कस करेंगे, और डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन इसको भी हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।